नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ब्रेजा LXi और ब्रेजा VXi के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर के बारे में। दोनों ही गाड़ी में दिखने में एक सा आपको मीटर देखने को मिलता है। ZXi या ZXi प्लस में आपको थोड़ा सा प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आपको कलर्ड बड़ी सी एक TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। साथ में उसमें आपको जो फ्यूल और जो टेम्परेचर गोज है वो आपको एनालॉग मिलते हैं यहाँ पर दोनों ही तरफ। लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है यानी LXi VXi में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैश वॉक करके दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो गाड़ी है दोस्तों VXi वेरियंट है और स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में है। अभी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे MID में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैटरी का साइन दिख रहा है और यहाँ पर व्हील दिख रहा है। जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पर इंजन का साइन भी आता है, साथ में गाड़ी इंजन और जो बैटरी है उससे पावर लेती है तो वो भी यहाँ पर एरो के माध्यम से शो होता है, जो कि LXi में भी शो होता है। तो ये चीज़ अब आपको ब्रेजा के किसी भी वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे ये स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि LXi और VXi में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है इसमें अंतर क्या है, क्योंकि पहली नज़र में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको दो मेजर अंतर देखने को मिलते हैं। LXi की तुलना में VXi में आपको दो एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप टॉप मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें लगवाने की सोच रहे हैं, यानी कि कलर TFT डिस्प्ले वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, ZXi प्लस में आता है, वो काफ़ी प्रीमियम लगता है, उसको अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं तो क्या वो LXi और VXi में लग सकता है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखने में गाड़ी के दोनों ही मीटर सेम दिखते हैं। LXi में और VXi में आपको सेम मीटर देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैश ऑन करके भी दिखा देता हूं। अगर आप यहां देखें स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का मिलेगा। यहां पर आपको टेकोमीटर यानी RPM मीटर मिल जाता है। साथ में सारी वार्निंग लाइट आपको दिखा देता हूं एक बार गाड़ी को ऑन और ऑफ करके। अभी मैंने ऑफ कर दिया तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारी वार्निंग लाइट शो हो रही है। थोड़ा सा फ्लैश ऑफ करके एक बार और दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह की आपको वार्निंग लाइट सारी शो होती है। अब यहाँ पर एक जो वार्निंग लाइट है जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप की थी वो अभी नहीं मिलती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ही आती थी, ये वाली लाइट आपको नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अब जो ब्रेजा आ रही है। ठीक है, तो अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर तो आपको दिख ही गया होगा यहाँ पर MID में। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारी गाड़ी में टेम्परेचर शो हो रहा है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है। तो VXi वेरिएंट में आपको टेम्परेचर शो करेगा, आउटसाइड जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो MID में शो करता है। उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। LXi में आपको नॉर्मल AC मिलता है, जबकि VXi में आपको कुछ इस तरह का ऑटो AC मिलता है। तो ऑटो AC होने की वजह से यहाँ पर MID में आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी ये शो करता है, जबकि LXi में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल टाइम शो होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम दिखाई देंगी। लेकिन एक मेजर अंतर और है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे ही मैं डोर को ओपन करूंगा दोस्तों, देखिएगा, तो मैंने ड्राइवर साइड का डोर ओपन कर लिया। आपने देखा यहां पर एनिमेशन के साथ हमारी ब्रेजा छप के आ गई और इसका जो फ्रंट डोर है राइट साइड वाला ड्राइवर वाला वो ओपन हो गया, यहाँ पर ये शो कर रहा है कुछ इस तरह से। जबकि LXi में ऐसा कुछ भी शो नहीं होता है, यानी कोई एनिमेशन शो नहीं होता, कोई गाड़ी आपको शो नहीं करेगी कि पर्टिकुलर कौन सा डोर खुला हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको पता चल जाता है कौन सा डोर खुला हुआ है। बाकी LXi में आपको केवल ये वाली वार्निंग लाइट शो होती है, डोर ओपन की जो वार्निंग लाइट है ये वाली शो होगी, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें आपको पता नहीं चलता कि कौन सा डोर खुला हुआ है। ठीक है, ये वाला जो एनिमेशन है ये MID में बिल्कुल भी शो नहीं होता है। LXi वेरिएंट में केवल आपको ये वार्निंग लाइट शो होगी, लेकिन VXi में आपको ये वार्निंग लाइट भी दिखा रही है रेड कलर में, साथ में यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर कौन सा डोर खुला हुआ है ये भी शो कर रहा है। तो मैं डोर को लगा के दिखाता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने डोर को लगाया तो ये गायब हो गया। तो ये अंतर आपको देखने को मिलेगा, यानी दो अंतर आपको देखने को मिलेंगे VXi में LXi की तुलना में, यानी दो ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कोई ज़्यादा बड़े मेजर फीचर तो नहीं है। बात सही है, ये ज़्यादा बड़े मेजर फीचर तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड कराने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग LXi को LXi बनवा रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर बन तो नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं लगवा सकते, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं लगवा सकते, सनरूफ नहीं लगवा सकते, क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिव नहीं करा सकते। लेकिन VXi में अगर आप ये जो मीटर है इसको अपग्रेड कराने की सोच रहे हैं, या फिर LXi में आप टॉप मॉडल वाला मीटर लगाने की सोच रहे हैं, तो
मीटर प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसमें आपको वार्निंग आएगी, साथ में वार्निंग लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करेगी, ठीक है। जबकि अगर आप VXI में टॉप मॉडल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर लगवाने की सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है, गाड़ी को अच्छा लुक देता है, कलर TFT जो डिस्प्ले है वो बहुत ही गजब की लगती है, तो अगर आप उसको लगवाने की सोच रहे हैं VXI में, तो फिर इसमें प्रॉपरली वो काम करता है, आपको कोई भी एरर शो नहीं होगी, सारे फीचर परफेक्टली काम करेंगे, कोई भी वार्निंग लाइट आपको शो नहीं होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको टेम्परेचर मीटर दिया गया है, और जो टॉप मॉडल में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर आता है उसमें भी आपको टेम्परेचर शो होता है, जबकि LXI में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर सेंसर है, आउटसाइड का टेम्परेचर यहाँ पर जो है MID में ये शो करता है। तो ये जानकारी थी दोनों ही गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।